कालेबुङ जिल्ला प्रहरीले तस्करी रोक्न विशेष पहल गरेको छ। कालेबुङ जिल्ला प्रहरीले मंगलबार कालेबुङ टाउन हलमा सचेतना शिविरको आयोजना गरेको हो। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. मूलत महिला तथा बालबालिका बीच बिघान हुने गरेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने पहल गरिरहेको छ। कालेबुङ जिल्ला अधीक्षक जिल्लापालले आज कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन्। जिल्लाका जम्मै प्रहरी अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बाल सुरक्षा अभियान ह्यान्स विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू लगायत थुप्रै संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मूलत तस्करी हुनुको कारण यसबाट बस्ने उपायहरू बारे सचेत गराइएको थियो। Okay, one more question. Who are the victims of trafficking? Who can be a victim of trafficking? Easy to gain from a woman because we can easily engage them in prostitution. But the human trafficking is not gender-based and there is no age factor. Anyone can be trafficked, especially, what is her name? Rowan. For organ harvesting, one causes organ harvesting, but the easy target, the soft target are women and children. Human trafficking, it is a group of crimes, right? It can involve anyone, men, women, children. Women and children are easy target because children are very easy to lure. And they are used for babying and begging and mamming, like we have seen in Hindi pictures, right? Hindi pictures, ma dekhsa ni haat khutta kaatera, aakha nikalera, mangne banako ro. Dekhsa ki dekhga ni Hindi picture tera. Khoi, no response? Yeah. It's early morning, you have to stay till late evening. Ailene esto ni dharo unda nai. Hello everyone, I am Lappagamma Tamang and I'm from Rockville Academy. Hello everyone, I'm UK Kennedy from Rockville Academy. I'm the school captain. I'm Dawa Tamang from Rockville Academy. Well, we all were invited to participate as an audience in the town hall for the seminar of the human trafficking. And it was a very informative session for all of us. We got to learn more about human trafficking, its causes, and how we can prevent human trafficking. It was overall a very great initiative by the district police of Kalimpong. And it was an honor to be here, and we got to learn a lot. Thank you very much. कार्यक्रमबारे बताउँदै पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पाण्डेले अब स्कुल स्कुलमा पुलिसले म्यासेज बक्स राख्ने, जहाँ बालबालिकाहरूले खुलेर भन्न नसक्ने सूचना त्यहाँ हालेर पुलिस समक्ष पुर्याउन सकिने बताएका छन्। एक्चुली आज हाम लोग का 30 जुलाई है। 30 जुलाई जनरली होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्युमन ट्राफिकिङ, बेसिकली ट्राफिकिङ अगेंस्ट मेन, यूएन का डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इसको 15 दिन मनाया है, मतलब 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। तो पहले हम लोगों ने जितने भी ग्राम पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट के, मैक्सिमम हम लोग कवर किए हैं, 32 ऑलमोस्ट ग्राम पंचायत कवर किए हैं। और ग्राम पंचायत लेवल में जाके हमने अवेयरनेस फैलाया है, और इसके आखिरी पड़ाव में कल हम लोगों ने अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनका ट्रेनिंग का क्लासेस किया था, सेंसिटाइजेशन का। और आज हम लोग जो कालिम्पोंग के आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कूल कॉलेजेस हैं उनको लेकर एक अवेयरनेस चला रहे हैं। अवेयरनेस टाउन हॉल में हो रहा है, जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सेकेंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट जज मैडम भी आएंगे, तो उसमें प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। और इसमें हम लोग 400 करीब बच्चों को लेके आज हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। और बेसिकली आज के दिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब जितने भी बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, सभी सतर्क रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि हम लोग जो ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सके। सर ये तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अगले वर्ष और इस वर्ष ऐसा कितना केसेस है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में? तो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में मैं जब से आया हूँ, फरवरी से बोल सकता हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज सच कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है? कितने साल से नहीं है सर?
नहीं डाटा तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, ऐसे गलत बोलना गलत होगा, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब से इस साल में मैंने नहीं देखा है कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कुछ एलिमेंट होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो डेफिनेशन है उसके तहत अभी कोई केस नहीं है। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि जितना कि हो सकता है कि कहीं हम लोग कर रहे हैं अवेयरनेस, लोगों में पहुँच रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैल रहा है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं तो रुक जाती हैं, ये उसका फ़ायदा है, तो वो रुकना ही ज़्यादा बेहतर है होने से। ऐसे ही केस भी आते हैं सर, साइबर ऐसे केस भी होते हैं कि ये बच्चियों को माने फर्स्ट लाके लाके होते हैं, ऐसा केस भी आया होगा सर कुछ है? अभी नहीं आया है लड़कियों का साइबर पे, लेकिन हाँ ये एक ट्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है पूरे कंट्री में ये, इनफैक्ट जिसमें बच्चों क्यों सोशल मीडिया पे सभी बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे जो ऐसे ट्रैफिकर होते हैं उनको टारगेट करते हैं, तो हम लोग अवेयरनेस में बच्चों को बता रहे हैं ऑलरेडी, ये चीज़ भी कवर कर रहे हैं ताकि बच्चे सजग रहें, इनसे किससे बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं इनसे सजग रहें। सर सोसाइटी में देखें तो एक वैक्यूम बन रहा है और सोसाइटी और पुलिस के बीच में ये सब चीज़ होते हैं, पुलिस जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं फिर भी सोसाइटी लोग डरते हैं पुलिस में आके ये हो रहा है केस करने के लिए, ऐसा सब बहुत सारा माध्यम है, और ये ट्रैफिकिंग होने का कॉज क्या है, इसको कैसे इसको निर्मूलन कर सकता है सर सोसाइटी को संदेश देंगे? जैसा मैंने कहा कि कालिम्पोंग में देखिए ट्रैफिकिंग का ऐसा कोई अभी तक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं पब्लिक और ये, इसी के तहत हम लोग सोचे कि भाई हम लोग क्या होते थे कि इस बार हम लोग तोते तांगता में भी गए थे, जो सबसे हम लोग सबसे दूर का जीपी है जो यहाँ से जाने में अप्रोक्स 6 घंटा लगता है, ठीक है, तो वहाँ भी हम जाके अवेयरनेस कैंप किए, तो अगर पब्लिक हमारे पास नहीं पहुँच पा रही है कोई समस्या है तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुँचे, महीने में एक बार थाना जाके वहाँ पे मिले लोगों से, मतलब थाना तो कंटिन्यूस जाए बट हम लोग भी जाके कभी महीने 2 महीने में जाके मिले डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर से कि लोगों का भी प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं, तो ये पहुँचना ही पहुँचने से मुझे लगता है बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे कि सेकेंड हाफ में हम लोग कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे अभी, जैसे कि हम लोग एक बच्चों के स्कूल्स में एक बक्सा हम लोग दे रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं कि ताकि पुलिस को अगर उनको कुछ डायरेक्टली हमको कहना है जिसको कह नहीं कह पा रहे हैं बच्चे, वो चुपचाप जो भी मन की बात है उसमें उसमें डाल देंगे मैसेज बॉक्स में, तो हम उसका नाम हम लोग सेकेंड हाफ में भी इनॉग्रेट करेंगे उसको जब डीएम साहब और डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे, तो उसके थ्रू लोग बच्चे हमारे पास पहुँचे कि कोई उनका कोई इशू है, हो सकता है पेरेंट्स से नहीं बोल पा रहे हैं, टीचर से नहीं बोल पा रहे, कुछ शर्म आ रही है, कोई बात है, या वैसे भी कोई क्यूरियोसिटी हो सकता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो अगर वो हम एनोनिमिटी माने बच्चों का बस एक बेसिक इन्फो रहेगा तो हम जाके उनका उनका आइडेंटिटी को हाइड करते हुए उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ये सर स्कूल में खाली रहेगा या बाजार के तरफ? अभी तो हम लोगों ने स्कूल में स्टार्ट किया है, स्कूल में ही हो रहा है, पर जैसे जैसे लगेगा कि रिस्पांस ठीक है बच्चे और चाह रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट जगह है जैसे हो सकता है कि हम लोग पंचायत, क्योंकि बच्चे जनरली कहाँ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं जो उनका जगह है वहीं जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगेगा कि ऐसे कोई जगह और जहीं रखने से अच्छा रहेगा तो हम लोग फर्दर ऐड करेंगे उस प्लेसेस। सर ये जब पिछले साल से जब कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में अभी तो देखते जा रहा है कि काफ़ी ये ड्रग्स जो है ये काफ़ी फैल चुका है सर, इसको लेके पुलिस प्रशासन से लेके जिला प्रशासन काफ़ी दौर से काम कर रहे हैं फिर भी इसको कंट्रोल करने में कुछ एक नाकामयाबी जैसा भी दिखा जा रहा है सर, ये सोसाइटी में जब अभी बच्चे बच्चे जैसे देखे तो बहुत सारा ये हो रहा है सर, इसको लेके कुछ आपने जो इशू उठाया बहुत अच्छा इशू है, ट्रैफिकिंग केवल आदमी का भी नहीं होता ड्रग्स का भी होता है, ठीक है, और हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, ठीक है, नेपाल हो या भूटान हो लोग हम लोगों से बहुत पास है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बांग्लादेश भी है, तो ये होने से एरिया बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, तो जहाँ तक आप बोल रहे हैं कंजम्पशन, तो आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक शुद्धि प्रोजेक्ट चलता है, तो शुद्धि प्रोजेक्ट में हम लोग मोर देन 100 लोग मतलब ऐसे हैं जो सोबर हो गए, मतलब एक साल उन्होंने ड्रग्स छोड़ा है, तो केवल आप सोच रहे हैं कि जो सेलर्स हैं या फिर आप क्रिमिनल्स को केस तो हो रहा है, आप देखेंगे लास्ट पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 40-50 केस डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जिसमें बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम, लेकिन केवल वही सॉल्यूशन नहीं है, ये जो बच्चा लोग खा रहा है उसका जो नशा है, आप जानते हैं विड्रॉल सिम्टम आता है बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके लिए वो जो प्रोजेक्ट है शुद्धि प्रोजेक्ट उसके थ्रू हम लोग लोगों में चेंज ला रहे हैं, मतलब लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई इनफैक्ट एक लड़के को पेरेंट्स को मैंने खुद चला के बोला कि उसने क्राइम किया था चोरी का क्योंकि उसको ड्रग्स खाना था, ठीक है, तो जब उसके पेरेंट्स को बोले कि भाई आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है, तो पेरेंट्स कहें कि हाँ ठीक है हम खुद से करा लेंगे,
लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स कुछ तो चला के बोल रहे हैं कि हमको हेल्प चाहिए बच्चों का विड्रॉ, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूस फाइट है, एक दिन का बात नहीं है, कंटिन्यूस एफर्ट है। इसमें केस भी होगा, अरेस्ट भी होगा, और लेकिन जो लोग नशे में है उनको वो उनको हेल्प चाहिए, उनको हेल्प ओरिएंटेशन ज़्यादा चाहिए। जो सेलर हैं, जो केवल बिजनेस कर रहे हैं, उनको पकड़िए, केस करिए। लेकिन जो लोग छोटे अपने नशे में साइकिल में फंस गए हैं, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि वो शुद्धि प्रोजेक्ट में या डिफरेंट कोई एनजीओज में जाके अपना वो अपना रिहैबिलिटेशन में जाए, तब तभी सोसाइटी सुधरेगा। केवल आपका केस करने से और अरेस्ट करने से नहीं सुधरने वाला। सर ऐसे जो रिहैब सेंटर जितना भी है सब प्राइवेट हाँ, शुद्धि के तहत हम लोग का है, शुद्धि के तहत हम लोग एक मतलब हम लोग तो डायरेक्ट रिहैब नहीं चला सकते ना, वो तो डीएम ऑफिस या डिफरेंट गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल एनजीओज हैं वो हमारे शुद्धि के अंदर है, जैसे हैंड्स हमारे साथ है, उनके थ्रू हम लोग बहुत सारा रिहैब काम कर रहे हैं, काफी लोगों को जिम भी किया है, बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके।